हुआ। मेरा सवाल हाँ, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। सुधांशु जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड इशू था वो वापस ले लिया। उसके बाद उन्होंने फॉरेन की एक दो एजेंसीज के जो जहाँ से लोन ले रखे थे वो भी उन्होंने एडजस्ट करवा दिए। जो LIC और इसे अपना SBI से जो लोन ले रखे हैं उनको क्यों नहीं एडजस्ट कराया गया? अपनी कैपेबिलिटी तो उससे ज्यादा बहुत वरिष्ठ हैं। कोई भी लोन जब उसका टर्म कंप्लीट होता है उसी समय उसको एडजस्ट किया जाता है। शेयर जब आप इशू अपना पब्लिक इशू लगाते हैं वो आप चाहें तो इशू करने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, पर लोन तो उस समय जब उसका टर्म खत्म होगा तब पे नहीं कर सकते। दो तीन सवाल एक साथ लेके, क्योंकि मैं OP शर्मा, मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हुए हैं या मतलब जो अच्छे काम हुए हैं मोदी जी ने किए हैं, जो जैसे 3 तलाक को खत्म किया और ये सर्जिकल स्ट्राइक की और ये आर्टिकल 370 हटाया, तो वो तो सारे भूल गए, मतलब उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे दूसरी पार्लियामेंट में इंग्लैंड के अंदर और दूसरे कंट्रीज के अंदर ये विपक्ष भी मतलब ये प्रेज करता है कि भाई अच्छा काम है और देश के हित में है वो। 2024 का विजन क्या है, मतलब ये कैसे सारी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी को सारी घेर रही है, इन सबका विजन क्या होगा, मतलब विजन क्या है विपक्ष का? हाँ, तो मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है कि पहले तो दाढ़ी बढ़ाने से कोई मोदी नहीं बन जाता, और दूसरा मेरा और दूसरा ये है कि वो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी घुमाए और जो उनका मेन मुद्दा था क्या वो जनता से वोट बैंक था, जनता का इमोशनल डैमेज देके कि एक टी शर्ट में पूरा देश घुमाए, कितने बेचारे हैं, वोट बढ़ा लेंगे अपनी, या फिर वो वाकई में देश को जोड़ना चाहते हैं? ठीक है, एक साथ जवाब दें जल्दी। मेरा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी से कि आप लोग गाते रहते हैं कि मोदी जी ने अडानी को पूरा देश बेच दिया, आप बताइए आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तिब्बत का एक टुकड़ा ये कह के दे दिया कि वो एक बंजर जमीन है, उसको आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस वालों से, समाजवादी पार्टी से है कि वो मोदी जी पे इतने चार्जेस लगा रहे हैं, बाकी आप वो नहीं सोचते कि मोदी जी ने कितना काम करा है, आज में कितना काम हो रहा है, कितनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर, कभी किसी और राज्य में हुआ? बस ये थोड़ा ही कि आप जो है यात्रा कर लें और कह दें कि हम सब साथ हैं, इससे नहीं काम मिलता। ठीक है, चलिए आप दोनों के जवाब से शुरू करते हैं। सापरा साहब, देखिए सवाल ये है कि अडानी को अगर अगर हमने कुछ ऐसी कंपनियां यहाँ पर बनाई है, PUC है, तो एक एक करके वो किस तरह से अडानी को उसके शेयर जाते गए वो सभी को पता है। एयरपोर्ट उनके पास में गई, पोर्ट उनके पास में गई, घेल का पार्ट गया, LIC का बड़ा शेयर उसमें गया है, तो इसी का विरोध, यहीं से आर्थिक विषमता की बात होती है कि देश का 1% जो उद्योगपति है उसके पास अगर देश की 50% संपत्ति चली जाएगी तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है देश के लिए, और आपके लिए जो नौजवान है उनके लिए वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है। नेहरू जी का जिक्र आया तो मुझे लगता है कि जितने साल नेहरू जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जितने साल लड़ाई उतने साल भारतीय जनता पार्टी के कई दो नेता मिला लीजिए उतने लोग प्रधानमंत्री भी नहीं रहे हैं आजादी से पहले। दूसरी बात, जितने साल वो जेल में रहे उतने साल भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहा, वो देश के लिए जेल में रहे। तिब्बत को पर चीन ने कब्जा नेहरू जी के जमाने में किया था, ऐतिहासिक सच्चाई है। यह भी सच्चाई है तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने माना था चीन में जाकर के, तो दोनों ये इसको भी देखना चाहिए। नेहरू जी के समय चीन को तिब्बत का अभिन्न अंग भारत ने नहीं मानना, गलत बात नहीं है ना? थैंक यू, ठीक है, इस पे भी जवाब दीजिए। और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जब मनरेगा वरिष्ठ नेता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री अटल जी तो 98 में बने जाते थे सारा तिब्बत चीन के हिस्से में दिखा जाता है। एक बार प्रोटेस्ट अलग बात है, आधिकारिक बोल रहा हूँ, आधिकारिक पूरी बात बोलिए। सिक्किम पर चीन ने अपना दावा अटल जी की 2003 की दौरे में छोड़ा था, ये हम कह रहे हैं, वरना उससे पहले सिक्किम भी वो अपने सिक्किम को मिलाया किसने था? अरे भाई भारत में ये भी देख लीजिए, चीन ने दावा छोड़ा ना, मिलाया चीन ने दावा, आपने मिलाया किसने था सिक्किम? अब दूसरी बात, बात समग्रता में की जानी चाहिए, समग्रता में तो हम बात बिल्कुल कह रहे हैं। चलिए एक फैक्ट बताता हूँ, आज जो भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स, बच्चे का जवाब दिया सर, बच्चे का जवाब मैं दे रहा हूँ, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत की सीमा चीन से मिलती नहीं थी, तिब्बत से हमारी सीमा थी, इसलिए आज नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। चाइना आपने पूरा दे दिया, चीना पूरी समग्रता से बात करिए। मनरेगा, हाँ जी ये बात कहते हैं, देखिए मनरेगा रोजगार, मनरेगा में अगर आप देखें
तो आज मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान किया है। मनरेगा में कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता था, हमने उसके साथ एसेट क्रिएशन भी जोड़ा है, क्योंकि एसेट क्रिएशन न होने पे भ्रष्टाचार का पूर्ण स्कोप रहता है कि सबको बांट दिया गया, अब उसमें जो जो एडजस्टमेंट सेटिंग होनी थी वो हो गई। अंत में एक बात कह दी उन्होंने, कहा 1% व्यक्ति के पास यदि 50% संपत्ति हो तो बड़ा खराब लगता है ना। तो सबसे ज्यादा संपत्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बताएं भारत में जिसके पास है, वो है वक्फ बोर्ड। भारत में सबसे ज्यादा जमीनी संपत्ति अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे है तो वक्फ बोर्ड के ऊपर है, और शायद 12 लाख एकड़ के बराबर जमीन उनके पास है। वो आपने बड़े आराम से दे दिया था, तब नहीं नजर आया कि एक को कितनी संपत्ति होती है। और अंत में अंदर लाइटर केवल इनको देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक बिजनेस हाउस की वजह से गिर जाएगी। वो डर इनको लगता है, जिनको लगता है एक नेता गिरने से उनकी पार्टी गिर जाएगी, उनको ये डर लगता है। और एजेंडा मैं बता देना चाहता हूं, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर वन बनाता है। इनका एजेंडा बहुत क्लियर है, 2047 तक अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को नंबर वन बनाना है।